हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग का वक्त है, 5 बजे का, और हम लोग इस पोलो फ्लोटल होटल से अब रवाना होंगे और आगे निकलेंगे आगे घूमने के लिए। तो ये सुबह सुबह 5 बजे का वक्त है। ये देखिए हम लोग कैसे तो सुबह 4:30 उठ गए थे और फ्रेश होके हम लोगों ने होटल वाले को बुला लिया था, सिक्योरिटी को, तो वो सामान लेके देखिए बाहर जा रहा है। और हम लोगों ने टैक्सी बुलाई थी तो टैक्सी वाला आ चुका था। और ये देखिए सुबह का नज़ारा भी आप होटल का देख सकते हैं, कितना सुंदर है। और यहाँ से अब रुखसत का वक्त आ गया है और हम लोग अब आगे रवाना होंगे। आगे किधर जाएंगे आप ज़रूर देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। और जो टैक्सी वाले को बुलाया था उसने कैंसिल कर दिया था, पता नहीं क्या रीज़न आ गया था, तो अब दूसरा ओला बुक कराइए। तो बस वही हम लोग वेट कर रहे हैं। और हम लोगों की जो ट्रेन थी हावड़ा स्टेशन से वो 6:50 की थी, तो वही हम लोग सोच रहे थे अभी टाइम तो हो गया है, टैक्सी भी नहीं आई है, लेकिन आखिरकार फिर ओला आ गई और हम लोग देखिए ओला में सवार हो गए हैं और जा रहे हैं। ये सुबह सुबह का वक्त है, कुछ 6 बज रहा है इस वक्त और हमारी गाड़ी चल दी है और 6:50 की हमारी ट्रेन थी हावड़ा स्टेशन से। तो हम लोग जो यहाँ पे रहे पोलो फ्लोटल होटल में, वो हम लोग 2 नाइट्स रहे और बहुत एंजॉय किया हमने। प्रिंसेप घाट देखा होटल पोलो फ्लोटल में, हम लोगों ने बुफे ब्रेकफास्ट खाया, डिनर किया। और ये देखिए हमारी जो गाड़ी है वो हावड़ा ब्रिज के नीचे से गुजर रही है और हावड़ा ब्रिज के नीचे से गुजरते हुए कितना सुंदर नज़ारा है सड़क का और आजू बाजू का। तो वही मैंने सोचा ज़रूर ले लेती हूँ, कलकत्ता में तो यही फेमस है यही सब। तो हम लोग अभी किधर जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दीघा जा रहे हैं। दीघा एक कोलकाता से कुछ 4 घंटे की दूरी पर है और बहुत ही सुंदर सी बीच है, वहाँ पे सी साइड है। तो हम लोगों ने बहुत पहले दीघा देख रखा था लेकिन काफ़ी समय बीत गया था, 4-5 साल हो गए थे तो दीघा देखे हुए, तो इसलिए हमने सोचा दीघा चलते हैं, सी बीच है, बहुत सुंदर, गोवा जैसा ही है। और ये देखिए हम लोग हावड़ा स्टेशन आ चुके हैं और हावड़ा स्टेशन कितना सुंदर, कलर वगैरह वेल मेंटेन्ड है। जैसे अजमेर का स्टेशन मैंने आपको दिखाया था उसी कलर में हावड़ा स्टेशन भी वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही सुंदर है। और सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं थी और अपने होटल से हमारा हावड़ा स्टेशन मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पर ही था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये देखिए, और कुली भी कर लिया था तो कुली तो कटना ही पड़ता है, इतना सब सूटकेस वगैरह है, कहाँ तक उठा के भागेंगे। और बिल्कुल हम लोग मार्जिन पर थे, इस वक्त बज रहा है कुछ 7:45, 6:50 का ट्रेन थी और अभी बज रहा है कुछ 6:45, तो बिल्कुल मार्जिन पर थे। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पर आए तो मालूम पड़ा कि ट्रेन हमारी लेट है, अभी तक आई नहीं है। और ये देखिए घड़ी में बज रहे हैं 6:50 और हम लोग बाल बाल बच गए, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट भी सकती थी। लेकिन लकीली ट्रेन लेट थी तो जान में जान आई। और स्टेशन पर बहुत भीड़ हो गई थी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सभी लोग उसी ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। तो हम लोग वही सोच रहे थे चलो अच्छा हुआ जो हुआ। ये देखिए इसका नाम है हमारी ट्रेन का ताम्रलिप्त एक्सप्रेस। तो ट्रेन का नाम है ताम्रलिप्ता एक्सप्रेस और ये हावड़ा से दीघा डायरेक्टली जाती है, वहीं पे हॉल्ट हो जाती है। और आखिरकार 15-20 मिनट का वेट करने के बाद देखिए ट्रेन आ रही है और सब लोग इतना खुश हो गए थे कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि बहुत देर से खड़े खड़े टेंशन हो रही थी कि कब आएगी, कितना लेट है। और हम लोगों का जो दीघा पहुंचने का टाइम था वो कुछ 10:30 का था, तो लेकिन अभी 20 मिनट लेट हो गया है तो पहुंचेंगे भी हम लोग फिर 20 मिनट लेट ही। तो ये देखिए, और बहुत ही अच्छी ट्रेन थी। उससे पहले आपने देखा था हम लोग वंदे भारत में चढ़े थे, उसका तो जवाब ही नहीं है, वो तो क्लासिक ट्रेन थी। और ये ताम्रलिप्ता भी कोई बुरी नहीं थी, आप देख सकते हैं ये भी एसी कोच है, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छे खासा भीड़ हो गई थी, काफ़ी क्राउड था, लेकिन ट्रेन बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। बस इसमें एक ही फ़र्क था कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, मगर काफ़ी कुछ खाने पीने का आ रहा था, आप लेके खा सकते थे। और ये भी एसी कोच है, साफ़ सुथरी थी, मुझे तो अच्छी लगी। और हम 4 घंटे अगर आपको बाय रोड लगता है दीघा पहुंचने में, लेकिन ट्रेन से आप 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। और फाइनली देखिए हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है और बाहर पूरा बारिश का मौसम लग रहा है, जबकि बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन सुबह सुबह का वक्त था 7:30 का, ट्रेन कुछ 1/2 घंटा लेट थी, तो ये सुबह 7:30 का ही वक्त है। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था बाहर का और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए ट्रेन
भी हमें अच्छी मिल गई थी, सीड्स भी हमारी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हम लोग तीन घंटे का सफ़र तय करके दीघा स्टेशन आ चुके हैं। ये देखिए दीघा स्टेशन, बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि सी बीच हम तीनों को ही बहुत पसंद है, हम लोगों का फेवरेट स्पॉट है सी बीच। हम लोग मुंबई के आसपास भी जो सी बीचेस हैं वहाँ पे हम लोग जब भी मौका मिलता है जाते रहते हैं, और दीघा तो बहुत ही अच्छा स्पॉट है। जो भी कोलकाता आएँ एक बार दीघा ज़रूर जाएँ, जो सी लवर्स हैं वो ज़रूर जा सकते हैं। और अब दीघा भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है, बहुत बढ़िया बढ़िया होटल्स बन गए हैं। हम लोग जब 4-5 साल पहले आए थे तब इतना डेवलप नहीं था, पर अब तो मैं देख के हैरान रह गई, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं। जो हम लोगों का होटल था वो भी आप लोग अभी आगे वीडियो में देखिएगा, बहुत ही सुंदर। और हम लोग इस बार बहुत लकी रहे कि हम लोगों के होटल्स बहुत अच्छे रहे। चाहे आप पिछले व्लॉग में मेरा शांति निकेतन का रिसॉर्ट देखिए जो कंट्री साइड था, फिर उसके बाद पोलो फ्लोटल देख सकते हैं, वो तो बिल्कुल क्लासिक ही था। और अभी ये वाला होटल भी आप लोग देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा था। तो जो होटल इस बार हम लोगों ने रहे काफ़ी सुंदर थे, क्लासिक्स थे, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और इस बार छुट्टी मुझे अच्छी मिल गई थी तो इस बार हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर भी कर लिया इधर उधर काफ़ी चीज़ों को। तो ये देखिए दीघा में कितने टूरिस्ट उतरे हैं, कितनी भीड़ है, क्योंकि ये है ही अपने आप में टूरिस्ट स्पॉट। और ये देखिए अंदर से दीघा स्टेशन कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी बड़ा स्टेशन था और लोग कितने टूरिस्ट उतरे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन स्पेशियस था तो इसलिए इतनी भीड़ का पता नहीं पड़ रहा था। और दीघा में भी गर्मी काफ़ी लग रही थी, महसूस हो रही थी। शांति निकेतन में तो रिकॉर्ड ही खैर तोड़ दिया था गर्मी ने, लेकिन दीघा में भी कोई कम गर्मी नहीं थी, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन फिर भी चल रहा था क्योंकि सुबह ये कुछ वक्त है 10:30-11 का, तो इतना भी बुरा हाल नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब दिन चढ़ता है तब गर्मी और शुरू हो जाती है। और ये हम लोग बाहर आ गए हैं स्टेशन के, और ऑटो वाले को अपना होटल का बता रहे हैं तो उससे डील कर रहे हैं। तो ये देखिए ऑटो में सब सामान वगैरह रख दिया है, लगेज, और अब हम लोग ऑटो में बैठ के अपने होटल जाएंगे, वहाँ देखेंगे कैसा होटल है, क्योंकि ये भी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसा होटल होगा, कैसा रूम होगा, सब अच्छे से मिल जाए तो अपने टूर अच्छा गुजर जाता है, ये भी बहुत मायने रखता है। और ये देखिए हम लोगों का ऑटो हमारे होटल के सामने आ चुका है, और हमारे होटल का नाम है होटल डेल्टन। और आप इसका बाहर का आउट देख सकते हैं, आउटलुक कितना सुंदर, कितना बड़ा होटल है। दीघा में इसी तरीके के सारे होटल्स हैं, एक से बढ़कर एक, इससे भी बड़े बड़े होटल्स हैं, इससे छोटे भी हैं, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है सब तरीके के होटल्स हैं दीघा में। दीघा एक अच्छा खासा एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि सी लवर्स के लिए है, और यहाँ पे जो सी है वो अच्छे खासे गोवा टाइप ही सी है, काफ़ी वाइड, काफ़ी ह्यूज। बाकी जो अब मुंबई में बीच है वो इतना ह्यूज नहीं दिखता है क्योंकि बिल्डिंग्स आ जाती हैं, बिल्डिंग्स दिखती हैं, मगर गोवा में जो बीचेस हैं या दीघा में हो गए वो काफ़ी ह्यूज और काफ़ी बड़े दिखते हैं। तो ये देखिए ये होटल का आउटलुक है, बाहर से ऐसा दिखता है, इसमें गौतम बुद्ध की फ़ोटो लगा रखी थी। और ये हम लोग अब जा रहे हैं होटल रिसेप्शन में, यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ता है कीज़ वगैरह मिलने में, क्योंकि हम लोग आ चुके थे 11:15 का वक्त है ये, और जो चेक इन था हमारा वो कुछ 12 के आसपास था, तो हमें लग रहा था कि थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि होटल का रूम जो पहले से ऑक्यूपाइड रहता है वो खाली होगा, फिर हम लोग चेक इन कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, आराम से हम लोगों का 10-15 मिनट में नंबर आ गया था। और इसके बाद इसके बीच में हम लोगों को ड्रिंक मिला था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उन्होंने हमको वेलकम ड्रिंक दिया था, वो हम लोगों ने पिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और होटल बहुत ही सुंदर था, आप खुद भी देख सकते हैं कितना सुंदर होटल है। तो यही सब वेकेशन में मज़ा आता है, होटल में रहो, बाहर खाओ पियो, आउटिंग करो, घूमो फिरो, इसी को वेकेशन कहते हैं और यही अच्छा लगता है। तो बाकी तो फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, मुंबई जाके वही ऑफिस जाओ, वही ऑफिस से आओ, सब कुछ वैसे ही रहेगा। और ये देखिए ये कपल भी हमारे साथ ताम्रलिप्ता एक्सप्रेस में मौजूद था, ये हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, मैंने इनको ट्रेन में देखा था, और ये भी हमारे साथ इसी होटल में आ गए थे। तो ये देखिए और वेलकम ड्रिंक हमको मिल रहा है, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही रिफ़्रेशिंग।
और अब हम लोग लिफ्ट से अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। तो ये लिफ्ट भी कैप्सूल लिफ्ट थी, बाहर का सब दिखता था। तो ये देखिए कितना सुंदर है नज़ारा बाहर का। और अभी भी यहाँ पे होटल सब चल रहे हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, जितना अभी और डेवलप होते ही जा रहा है दीघा अपने आप में। और ये हम लोग आ गए हैं होटल की लॉबी में। यहाँ पे चारों इधर उधर लेफ्ट राइट दोनों रूम्स हैं। तो हम लोगों का रूम सबसे लास्ट में था, सबसे लास्ट में जाके लॉबी में। और अब आप खुद ही देख सकते हैं कितना क्लीन है, कितना सुंदर है लॉबी। तो रूम भी कितने सुंदर होंगे। देखिए हम लोगों का नंबर है 408 क्वाड। क्वाड मतलब कि इसमें चार लोग आराम से आ सकते हैं। तो इसमें डबल बेड दो हैं, इसलिए हमने खुल के लिया था कि अवनी भी एंजॉय कर पाए। और उसको बड़ा शौक़ है कि मेरा एक अलग से बेड हो, मुझे अलग से सोना है, उसको बहुत ये सब शौक़ है। इसलिए हम लोगों ने देखिए इस तरीके का रूम बड़ा सा सुंदर सा लिया था। और रूम बहुत ही ब्यूटीफुल था अपने आप में, हर चीज़ की सुविधा थी। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें बालकनी भी है बहुत बड़ी, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और ये देखिए कितना सुंदर रूम है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और इसमें छोटा सा फ्रिज था जो कि हमेशा रहता ही है हर एक की रूम में, हर एक ही होटल में रहता है। और ये टीवी वगैरह था, सोफ़ा था, मतलब सुंदर था, काफ़ी सुंदर था। और इसके पहले शांति निकेतन का आपने देखा, वो उसका एक अलग ही लुक था उस रिसोर्ट का। उसके बाहर काफ़ी कुछ सीनरी थी। और ये देखिए ये बालकनी है, बालकनी में भी प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे। आप क्लोथ्स अगर धोने हैं, मान लीजिए वॉश करने हैं, तो उसके लिए भी एम्पल ऑफ स्पेस था, आप सुखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि लॉन्ड्री में ही आपको कपड़े देने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके की सुविधा रहती है होटल्स में, तो अच्छा रहता है। तो ये देखिए कितना सुंदर है, आप बैठ भी सकते हैं। तो होटल खचाखच भरा हुआ था, बहुत लोग आए हुए थे, टूरिस्ट प्लेस है तो आते ही रहेंगे। और अभी तो वैकेशन टाइम है, पीक टाइम है, तो काफ़ी भीड़ थी, हर जगह ही होटल में भीड़ है। और इसी तरीके से पोलो फ्लोटल जो था उसमें भी काफ़ी क्राउड था, क्योंकि वैकेशन का टाइम है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो सब लोग वैकेशन में निकलते ही हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा। और अभी तो हम लोग दीघा आए हैं, आगे भी घूमेंगे, आपसे आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी। तो जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। चलिए, अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर। और अवनी को सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि वॉशरूम अच्छा होना चाहिए। वो सबसे पहले वॉशरूम में गई और उसने जाके सब जायज़ा लिया, सब चेक किया, उसको वॉशरूम साफ़ सुथरा और क्लीन होना चाहिए।